displaying given required patterns in the form of 7 by 4 matrix. 7 rows and number of columns are 4 in this order. इस केस में अगेन मैं इस केस में 4 को या कॉलम्स को कंसीडर करूंगा एज एन. एन के रिस्पेक्ट में अगर इंप्लीमेंट कराएं तो आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है. अगर एन का वैल्यू 4 प्रेस किया रन टाइम पर तो इस केस में कंडीशन क्या हुआ, मींस अप टू 7 टाइम्स. अभी भी आउटर लूप और इनर लूप के केस में बात कर रहे हैं. आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 7 टाइम. इनर लूप 4 टाइम्स. देयर इज नो चेंज. चेंजेस किस में करना, ओनली इफ कंडीशंस में. मींस आउटर और इनर लूप का कंडीशन तब तक चेंज नहीं हुआ जब तक नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज नहीं हो रहा. इस केस में नंबर ऑफ रो और कॉलम मैंने एन के फॉर्म में प्रोवाइड किया. वन मोर थिंग्स, कंडीशन प्रोवाइड किया आई लेस देन इक्वल्स टू 2 इनटू एन माइनस 1. इसी का अल्टरनेटिव कंडीशन राइट डाउन कर सकते हो, वन मोर कंडीशन इन प्लेस ऑफ दैट. अदर पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकता है, आई लेस देन 2 इनटू एन, दिस इज ऑल्सो वैलिड. इस दोनों कंडीशन का मीनिंग कैसा है, एग्जैक्टली सेम. बोथ आर सेम कंडीशंस. नेक्स्ट व्हाट अबाउट इफ कंडीशंस. इस केस में रिड्यूस क्या करना है, स्पेस. स्पेस किस केस में रिक्वायर्ड है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, मींस दैट वन. इस केस में स्पेस कंटिन्यूअस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन है जो सिंगल कंडीशन दोनों ही केसेस को सेटिस्फाई करे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट. अगर एन वैल्यू 4 है, अपर पार्ट के लिए कंडीशन डिफरेंट हुआ, लोअर पार्ट के लिए कंडीशन डिफरेंट हुआ, दोनों को कंबाइन करेंगे यूजिंग एंड ऑपरेटर, बिकॉज दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है. इन दैट केस अप्लाई क्या करेंगे, फाइनली फर्स्ट लेसन की अगर बात करें, फर्स्ट लेसन क्या है इस केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट केस, इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, स्पेस. अगर आई और जे का एडिशन काउंट किया जाए, आई प्लस जे, इन सभी केसेस में आई और जे का एडिशन कैसा है, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6. लेकिन ग्रेटर देन 6 में लोअर पार्ट, अगर अदर रिमेनिंग पार्ट भी इंक्लूड हो गए, इस केस में भी आई और जे का एडिशन कैसा है, ऑल्सो ग्रेटर देन 6. मीन्स इस केस में ओनली अपर पार्ट फिल्टर हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, और वी कैन सी ग्रेटर देन 5, सॉरी. मीन्स 6 क्या आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 5. फाइनली कंडीशन क्या होगा, दैट वन. अब इसके साथ फिल्टर क्या करना है, लोअर पार्ट. लोअर पार्ट के लिए एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन मर्ज करें, जिसके थ्रू रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिल्टर कराना है. रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिल्टर कराने, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अपर पार्ट तो आएगा ही नहीं इसमें, लेकिन लोअर पार्ट आने के चांसेस, देन लोअर पार्ट को फिल्टर करने के लिए अप्लाई क्या करें, सेकेंड कंडीशन. इस केस में आई और जे में अगर लेसन की बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस में आई और जे में लेसन क्या है, इन दैट केस आई ग्रेटर देन जे, लेकिन आई ग्रेटर देन जे इस केस में भी नहीं. लेकिन अगर आई और जे का डिफरेंस चेक करें, तो डिफरेंस क्या रहा है इस केस में, फर्स्ट वन 4, 6 माइनस 1 इज 5, 7 माइनस 1 इज 6, 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5, 6 माइनस 3 इज 3, 7 माइनस 3 इज 4, 7 माइनस 4 इज 3, लाइक दैट. इस केस में मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा है, 3. लेकिन इस केस में कंडीशन किसके लिए लगाना है, दैट वन. तो इसका मतलब क्या होगा, मीन्स अगर आई माइनस जे, इसका डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, और ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. लेकिन इस केस में कंडीशन मीन्स है, अभी ये कंडीशन किसके लिए है, इट इज 4 स्टार्स, लेकिन रिक्वायर्ड किसके लिए, स्पेसेस के लिए. तो स्पेसेस के केसेस में अगर बात करें, आई और जे का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या, अगर फर्स्ट कंडीशन टू, देन फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है. इस केस में रिमेनिंग, इस केस में कंडीशन क्या जाएगा, आई माइनस जे, आई और जे का एडिशन क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 3, ऑलवेज लेस देन 3, और वी कैन से 3 के प्लेस पर यूज क्या कर सकते हैं, एन माइनस 1. फाइनली सेकेंड कंडीशन, मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या है, I प्लस जे ग्रेटर देन 5 इज सिमिलर टू एन प्लस 1. दूसरा केस, दूसरा कंडीशन अप्लाई करें बाई यूजिंग एंड, I माइनस जे, देन 3 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, लेस देन एन माइनस 1. इस कंडीशन के थ्रू गिवन पैटर्न डिस्प्ले कराना पॉसिबल है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन.